अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। गाइस, यहाँ पे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया गया है जो कि आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा फ्रॉम द डेस्क ऑफ चेयरमैन, यानी कि चेयरमैन द्वारा ही ये नोटिस इशू किया गया है। तो चलिए फटाफट से इसके अंदर जान लेते हैं कि क्या लिखा है नोटिस के अंदर। तो गाइस, यहाँ पे नोटिस के अंदर लिखा है कि यहाँ पे जो भी एग्जाम शेड्यूल है एसएससी के, वो बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हुए हैं COVID-19 पेंडेमिक की वजह से। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि COVID-19 की वजह से यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन थे, वैल्यूएशन थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम था, वो इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पे फिजिकल अटेंडेंस ही नहीं हो पा रही थी। गाइस, हम सभी जानते हैं कि COVID-19 की वजह से लोग फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं हो पा रहे थे उस जगह पे, इसीलिए यहाँ पे काफी सारी चीजें जो थी उनमें डिले देखने को यहाँ पे मिला, क्योंकि एसएससी ने खुद ही बताया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के अंदर यहाँ पे काफी सारी चीजें अचीव की हैं एसएससी ने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमीशन हैज कंडक्टेड 21 एग्जाम्स फॉर अबाउट 1.80 करोड़ कैंडिडेट्स, यानी कि पूरे 21 एग्जाम यहाँ पे एसएससी ने कंडक्ट कराए हैं इस फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में, और जिसके अंदर यहाँ पे 1.80 करोड़ कैंडिडेट शामिल हुए थे। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, इंक्लूड्स द बिगेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन सो फॉर, यानी कि अभी तक का सबसे बड़ा एग्जाम भी एसएससी ने इसके बीच में कंडक्ट कराया है, जो कि यहाँ पे था कांस्टेबल जीडी, एनसीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021, जो कि यहाँ पे 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक कंडक्ट कराया गया था, जिसके अंदर यहाँ पे 71.74 लाख कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आई थी, जो कि यहाँ पे एग्जामिनेशन उन्होंने कंडक्ट कराया, वो भी सक्सेसफुल यहाँ पे कंडक्ट कराया है। थर्ड पॉइंट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसएससी ने सिर्फ यहाँ पे एग्जाम ही नहीं, एग्जाम्स के रिजल्ट भी यहाँ पे अनाउंस किए हैं, जिसमें से 7 एग्जाम्स के यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस किए हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे 28,068 कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट भी हुआ है वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन के थ्रू भी यहाँ पे 1,092 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। इन टोटल अगर बात की जाए तो 29,160 कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इन एडिशन टू रिजल्ट ऑफ 21 इंटरमीडिएट स्टेजेस, यानी ये तो फाइनल रिजल्ट था 7 एग्जाम्स का, लेकिन इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं ना कि प्री का एग्जाम, प्री का रिजल्ट आया आपका, फिर मेंस का आया, ये जो 7 थे ये फाइनल रिजल्ट थे, लेकिन यहाँ पे जो 21 है ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 21 इंटरमीडिएट स्टेजेस के यहाँ पे एग्जामिनेशन के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं, जिसके अंदर यहाँ पे 6.5 लाख कैंडिडेट्स नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई किए हैं। लास्ट में बताया गया है यहाँ पे कि 5 एग्जाम्स के जो न्यू नोटिसेज हैं, न्यू वैकेंसीज हैं, उसको भी यहाँ पे रिलीज किया गया है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल की गई हैं, जिसके अंदर यहाँ पे 1.55 करोड़ कैंडिडेट्स ने एग्जाम फॉर्म फिल किए हैं और 1.55 करोड़ यहाँ पे कैंडिडेट्स के एग्जाम फॉर्म रिसीव हुए हैं एसएससी को। तो ये आज ही का नोटिस है जहाँ पे खुद यहाँ पे चेयरमैन एस किशोर जी ने बताया है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट हुए हैं, यहाँ पे COVID-19 था उसके बावजूद भी यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, और उसके बावजूद भी यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए गए हैं, रिजल्ट भी आए हैं, न्यू नोटिफिकेशंस भी रिलीज किए गए हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे इस नोटिस के अंदर एसएससी ने बताई हैं कि टाइमली यहाँ पे एसएससी वर्क कर रहा है। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। बस PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अकेडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT JEE नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।